कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला छोटे काजीपुर में घर के बाहर का सीढ़ी बनवाने के चक्कर में गिरीश गुप्ता से पड़ोसी अलाउद्दीन से आपसी बहस हो गई, जिसमें गिरीश गुप्ता की मृत्यु हो गई। वहीं इस संबंध में मृतक की पुत्री शताक्षी गुप्ता ने कहा कि अलाउद्दीन अपना घर बनवा रहे थे, जिससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वह अपने आगे बढ़कर घर बनवा रहे थे, उससे हम लोगों को दिक्कत थी, क्योंकि हम लोगों का दो गेट है लेकिन एक गेट को हम लोगों ने बंद कर रखा है, और इससे कुछ दिन पहले अलाउद्दीन ज्यादा बढ़कर काम करवा रहे थे, जिससे मेरे पापा ने कोतवाली थाने में शिकायत की थी। तब पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया जाता है और मेरे पापा को पुलिस के द्वारा कोतवाली थाने में बैठा लिया गया और अलाउद्दीन को काम कराने के लिए घर भेज दिया। तब अलाउद्दीन ने छूट पाकर अपना गेट लगवा लिया और आज जब वह सीढ़ी बनवाने लगा तो मैंने पापा को घर बुलाया, जिस पर मेरे पापा ने अलाउद्दीन से कहा कि क्यों बढ़कर बनवा रहे हैं, तो अलाउद्दीन व उसकी पत्नी ने मिलकर मेरे पापा को धक्का दे दिया। उनके धक्के से मेरे पापा गिर गए और उनकी तबीयत खराब हो गई तथा हॉस्पिटल ले जाते समय मेरे पापा की मृत्यु हो गई और दोनों पड़ोसी मौका पाकर फरार हो गए। आपको बता दें कि कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि गिरीश चंद गुप्ता और अलाउद्दीन के बीच विवाद काफ़ी समय से चल रहा था और आज बहस होने के दौरान अलाउद्दीन और उनकी पत्नी ने गिरीश चंद गुप्ता को धक्का दे दिया, ऐसा आरोप है, जिसके कारण गिरीश चंद्र गुप्ता की मृत्यु हो गई तथा तहरीर लेकर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मृतक की पुत्री शताक्षी गुप्ता ने कहा, सरकारी है कोतवाली अलाउद्दीन ऐसा कोई जिसने देखा हो वो यहाँ कोई फंक्शन भी है क्या बच्चे को लेकर अरे दो साल साल भर का अंदाज है। अब देखिए प्लास्टर से वो स्थिति क्या दिख रही है, नया ही निर्माण है, मतलब ये नहीं कह सकते कि ये है और वो घर से है। ये नया बन रहा था नीचे और नीचे वाला, ये दोनों नया बन रहा था मिस्त्री से, ये मसाला सना हुआ रखा है, मसाला तो बन रहा था ये बनाते फिर इनका जो फोन आया था सुबह मेरे को छा में बैठाओ। हाँ सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। बैठाओ तुरंत, बात नहीं बैठाओ, आ जा बेटा बाहर आओ, सब लोग एक किनारे बैठो। जी
गिरीश चंद गुप्ता। पापा की 45 होगी मैक्सिमम। मेरा नाम सताशी गुप्ता है। ये लोग अपना घर बनवा रही हैं, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो आगे बढ़ के बनवा रही हैं, उससे हमें प्रॉब्लम है। जैसे हमारा एक गेट यहाँ पे, एक गेट उधर भी है, पर उधर का अभी हम लोग बंद कर रखे हैं। तो पापा यही कह रहे थे कि इससे पहले भी 2 साल पहले वो कहीं नहीं, हम ज़्यादा नहीं बनवाएंगे। तो पापा ने रिपोर्ट किया था, पापा को उनको दोनों को कोतवाली में बुलाए थे वो। फिर कोतवाली में वो पापा को तो बैठा नहीं है पुलिस वाले, और इनको भेज दिए। ये अपना गेट वेट बनवानी सब रात, मतलब रात में ही अपना गेट बनवानी। आज फिर से ये अपने आगे का बनवा रहे हैं। तो पापा को मैंने फ़ोन किया कि पापा ये फिर से बन रहा है, आप आ जाइए। पापा अपने ऑफिस से आए, और जब ये आगे का गेट बनाए तो पापा इनसे कहें कि आपको नहीं बनवाना चाहिए। वो पापा को ढकेलिए, ज़्यादा बात बात हुआ, फिर वो पापा को ढके दी आंटी और अंकल दोनों मिलकर। फिर पापा के नाच से और मुंह से वाइट वाइट कुछ निकलने लगा और दर्द होने लगा। फिर पापा हॉस्पिटल गए, और हॉस्पिटल जाने से पहले ही पापा नहीं आए। नहीं, रास्ते में।